بسم الله الرحمن वेलकम मिस्टर कश्मीर जी, तरह से खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज आपके पास कतर में एक बहुत ज़बरदस्त जॉब्स अपडेट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, इसकी लास्ट डेट कब है, तालीम कितनी चाहिए, यह मुकम्मल तफसील बताता हूँ आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत करें, मुकम्मल बात करें ताकि आपको पूरी समझ आ सके। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी जॉब से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज़, मेरे पास लिंक पहले से मौजूद है, आप लोगों को मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जॉब का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो ये सामने ऊपर लिखा हुआ है जहाँ फीफा वर्ल्ड कप प्रोजेक्ट का, तो ये आप नोट करेंगे अपने गूगल या क्रोम पे सर्च करेंगे तब ये जॉब ओपन हो जाएंगी। तो इस पर हम जैसा ही क्लिक करेंगे तो ये जॉब आ गई, इसकी पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। तो ये फर्स्ट पे आ गए, इसके ऊपर लिखा हुआ है फीफा वर्ल्ड कप प्रोजेक्ट, तो ये इसकी डिटेल लिखी है। ये आप आराम से पढ़ भी सकते हैं कि इसका फ्री वीज़ा है, बीजी फ्री टिकट सब कुछ फ्री दे रहे हैं। तो इसमें अप्लाई आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो पूरी डिटेल आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, तो नीचे चलते हैं। ये फर्स्ट पे लिखा हुआ है हाउ कैन आई अप्लाई, अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपने अपनी सीवी सेंड करनी है, सर्टिफिकेट सेंड करना है और आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पासपोर्ट भी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। तो नीचे आपको चलते हैं अभी। तो ये क्या क्या मांग रहे हैं, रिक्वायरमेंट कितने, क्या क्या चाहिए इसके लिए। प्रोफेशनल सीवी चाहिए, ओरिजिनल इसका आपका पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट के जो फर्स्ट पेज किसकी कापी आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल आपके पास जो डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए, उसकी कापी आपके पास होना चाहिए। इस तरह नीचे लिखा हुआ है कि उसके जो एक्सपीरियंस आपने जहाँ का कहीं पहले काम किया हुआ है वो होना चाहिए, उसकी कापी होनी चाहिए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, सीएनएस इसकी कापी होनी चाहिए। और जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है वो 10 इंच का बैकग्राउंड वाइट और 10 जो है 10 है जो उसका ब्लू। तो आगे इसके ऑल ओवर पाकिस्तान से आपने अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके जो है जैसे आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ है एट लास्ट एनी एक्सपीरियंस, ये आप इजीली अपना सारा पार्ट भी सकते हैं, डिटेल इजीली पढ़ते हैं। आगे आप बताते हैं कि हाउ कैन आई गेट वीज़ा, तो आपने वीज़ा कैसे हासिल करना है, तो ये भी डिटेल आपको बताते हैं। ये उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी जो एज है वो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 21 साल से जो कम है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, फर्स्ट पहले मिनिमम 21 ईयर ओल्ड है पासपोर्ट, तो आपके पास पासपोर्ट नहीं, और आपकी जो उम्र है वो 21 साल से ज़्यादा या 21 साल पूरी होनी चाहिए। तो नीचे ये इसका एक फॉर्म ओपन हो गया है जिसमें लिखा आ गया, देखें फौरी वीज़ा आ गया है और ये वीज़ा भी फ्री है। ये कतर के लिए जो वर्ल्ड कप शूज के प्रोजेक्ट चाहिए, फर्स्ट पे ये लिखा हुआ है लॉन्ड्री एडमिनिस्टर, इसके लिए 4000 सैलरी, ये बहुत अच्छी सैलरी जो दे रहे हैं। तो इसमें जो भी आप ये अपने तलीम की कंप्लीट के मुताबिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी आपने काम किया हुआ है आपके पास एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह ये है कॉल सेंटर एजेंट है, इसकी जो 2500 सैलरी दे रहे हैं। इस तरह ये सारे इंडियन लिखा हुआ है, आप अप्लाई कर भी सकते हैं। हाउस कीपर है 5000 दे रहे हैं, और जो जो रेस्टोरेंट फूड इसकी दे रहे हैं, जो मैदा मतलब 3 साल दें, इसका खाना राइश मेडिकल सब कुछ कंपनी का है। तो जहाँ कहीं भी आपने काम किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसके मुताबिक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे उन्होंने नंबर भी दिए हुए हैं, अपने इन नंबर पे आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जो इसकी लास्ट डेट है 22 अक्टूबर को है, 22 अक्टूबर के बाद भी आप इसमें अगर अपनी सीवी वगैरह इस पर आप ये ई मेल दिया हुआ है इस पर अपने सीवी वगैरह भेज सकते हैं। तो इन्होंने एड्रेस भी अपना दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आप जाके इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, इस एड्रेस पे जाके अपने डॉक्यूमेंट भी इन्हें दे सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।